नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। एटा में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने एक गरीब किसान के 3 बीघा से ज्यादा फसल को जलाकर राख कर दिया। साथ ही आग से खेतों में काट कर रखी गई फसल भी पूरी तरह से जल गई। घंटों इंतजार के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने नहीं पहुंची, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। खेतों में लगी आग के बाद किसानों की तैयार फसलों को भी जलकर राख हो जाने के बाद अधिकारी मुआवजा देकर बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। दरअसल पूरा मामला थाना राजा के रामपुर क्षेत्र के गांव कैला का है, जहां एसटी लाइन में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से किसान बिहारी लाल की 3 बीघा से ज्यादा फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी घंटों बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल। क्या है पूरा मामला? ये कहते थे बिहारी लाल, सहयोगी बारिश से हमारी गेहूं जल गई। कितने गेहूं? लगभग 3 बीघा करीब। किसका ये आपका ही खेत था या उगाई पे वगैरह किया था? ये खेत हमारे पास उगाई पर है। अच्छा, कितने रुपए उगाई पे लिया था? ये 15-16 हज़ार रुपये में, 16 हज़ार रुपये में। अच्छा। तो इसकी क्या आपने के जो आग लग गई, इसकी आपने किसी से शिकायत की थी? शिकायत तो हमने की 3 दिन पहले बिजली घर में सहूरी, लेकिन वहाँ से सुनवाई कुछ नहीं हुई। आज किसी से कहा? आज हमने किसी से भी नहीं, कोई अधिकारी आया ही नहीं है। लोगों से फ़ोन करवाया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। सर, आज जो कैला गांव में आग लगी है, गांव में आग लगी है, खेत में, क्या है पूरा मामला, कैसे लगी? अभी जैसे जानकारी मिली है कि ये विद्युत के चिंगारी से वहाँ आग लगी है और कुछ फसल 2 बीघे के करीब फसल का नुकसान हुआ है। तो हमारे अग्निशमन टीम वहाँ जा गई, आग बुझ गई है, उसकी जाँच करा करते हैं। इसकी जो है टीम हमारी जाँच के लिए गई है, राजस्व आ जाती है, फिर उसके बाद जो भी इसमें होगी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।